साइबर सिटी गुरुग्राम के 3 साल पुराने एनजीओ सोसाइटी फॉर सेफ ने एक बेहतरीन तोहफा देकर गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली को मजबूत करने का प्रयास किया है। सोसाइटी फॉर सेफ एनजीओ ने पुलिस को 1 करोड़ रुपए, 6 स्कॉर्पियो, 3,000 मास्क और सैकड़ों जैकेट देकर गुरुग्राम पुलिस को बेहतर कार्य करने के लिए ये सभी चीजें उपलब्ध कराई है, जिससे गुरुग्राम पुलिस सड़कों पर या फिर शहर में किसी चीज की कमी की वजह से कोई कोताही न बरते। एक्चुअली सोसाइटी फॉर सेफ गुड़गांव आज से 3 साल पहले शुरू किया था इसको, जिसमें काफी लोगों ने मदद की और आज ये पहला इवेंट था हमारा जो ट्रैफिक और जो दूसरे सिक्योरिटी सोसाइटी को जो चीजें चाहिए उसमें ये हमारी आगे काफी मदद कर रहे हैं। जैसे मिस्टर हरभजन सिंह प्रेसिडेंट हैं इनके, इन्होंने सारी कमेटी ने पिछले करीब 10 दिन पहले डिसाइड किया कि किस किस चीजों की सिक्योरिटी से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड और या सोसाइटी का जो भी वेलफेयर कर सकती है उसमें क्या क्या करना चाहिए, और इस मीटिंग के दौरान इन्होंने डिसाइड किया कि करीब 1 करोड़ रुपया, जिसके अंदर की 6 स्कॉर्पियो, दूसरा कॉन्स करीब 2000 के आसपास और बैरिकेड्स मास्क करीब 15,000, जो पुलिस कर्मचारियों को डेली जिन चीजों की जरूरत पड़ती है और जो विजिबिलिटी जिससे बढ़ेगी उस चीजों में हमने काम किया। इसके अलावा कई एनजीओस जो सोसाइटी के लिए बेस्ट काम कर सकती हैं, जैसे वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ हमारा है जो सेक्सुअल हरासमेंट जो गरीब लोगों के लेबर के इधर के बीच में जाके काम कर सकते हैं, सारी का जो WRH कई तरह के इस तरह के इवेंट्स हैं जिसकी अवेयरनेस से ट्रैफिक से और दूसरी चीजों के बारे में अवेयरनेस करने से लोगों को इस बारे में पता लगेगा और उनकी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा SSG ने एक अपना ईमेल एड्रेस भी अभी शुरू कर दिया जिसके अंदर आम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं कि सिक्योरिटी ट्रैफिक जिससे भी रिलेटेड किस सिस्टम को किस तरह से सुधार सकें, क्योंकि वन साइडेड काम कभी नहीं होना चाहिए। ये हम लोग सब इस बारे में बिल्कुल खुले ओपन हैं कि आप लोग जो सुझाव दोगे, सब लोग इसमें कॉरपोरेट के हैं, सोशल सोसाइटीज का जो काम करने वाले हैं, तो उनके आइडियाज लेके जो भी बेस्ट होगा वो हम करेंगे। सरकार ने जो सीएसआर की शुरुआत की है, क्या मानते हैं जो बड़ी कंपनियां SSG के मार्फत हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जो भी स्पॉट्स जिन जहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहाँ एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं और जाने जाते जाती हैं, उनका हम लोग फिर से उनको रिविजिट करेंगे, उनकी ऑडिट कराएंगे और कोशिश करेंगे कि ये ब्लाइंड स्पॉट्स जो है ये दूर किए जा सकें। इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए भी हम लोग एक अभियान चलाएंगे, एक सेफ डैडी कम बैक होम सेफ, इस तरह का एक अभियान हम लोग यहाँ पुश करेंगे जिससे कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता को भी व्हाट्सअप कर सकें कि डैडी प्लीज़ बी सेफ एंड कम बैक होम सेफ। तो हम लोग बच्चों को यूज़ करेंगे ताकि इसकी जागरूकता और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। संसाधनों की जहाँ तक बात है वो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, संसाधन अलग अलग स्तर पर जो भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग, जैसे हाईवे पे जो ओवर स्पीडिंग होती है वहाँ हाईवे पे आप गाड़ी को इंटरसेप्ट करके उसका कोई चलानिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो कई जगह जैसे चंडीगढ़ वगैरह में हम लोग देखे हैं कि मूविंग व्हीकल्स के ऊपर में कैमराज माउंटेड हैं जो कि ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स को कैप्चर करते हैं और उनके यहाँ पे चलान भेजा जाता है, तो उस तरह की ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए भी हम लोग इस तरह के इक्विपमेंट्स को उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सर। हालांकि ये सभी चीजें CSR एक्टिविटी के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को दी गई है, मगर सरकार के वो बजट और घोषणाएं कहां गई जहां चिल्ला चिल्ला कर नेता ये कहते नजर आते थे कि हम सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को मजबूत बनाएंगे।